नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी 27। खबरें सबसे पहले। पुलिस के घर से सर्विस पिस्टल की हुई चोरी, जांच में जुटी पुलिस। पुलिस और चोर की कहानी तो आपने बचपन में कई बार पढ़ी और सुनी होगी, क्योंकि पुलिस और चोर का साथ हमेशा चोली दामन का रहता है। हमेशा पुलिस चोर का पीछा करती है, क्योंकि जब पुलिस की बात दिमाग में आती है तो इसके पीछे चोर का भी एक काल्पनिक चेहरा सामने आ जाता है। कुछ ऐसी ही घटना सामने आई है जहां एक चोर पुलिस की सर्विस पिस्टल लेकर फरार हो गया है। घटना फारबिसगंज थाना की है, जहां कार्यरत SI विमल कुमार मंडल के सरकारी आवास से सर्विस पिस्टल की चोरी हो जाने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों में हड़कंप मच गया है। इधर चोरी की घटना के बाद जिला के तकनीकी सेल पुलिस की टीम फारबिसगंज थाना पहुंचकर जांच में जुट गई है। SI के सरकारी आवास से लेकर आसपास गहन जांच करते हुए एवं आसपास के लगे CCTV फुटेज को खंगालने जाने की जानकारी दी गई है। घटना के संबंध में बताया गया कि बीती रात SI अपने सरकारी आवास में सो रहे थे, जहां अज्ञात चोरों द्वारा उनके सरकारी पिस्टल की चोरी कर ली गई है। इस संबंध में पीड़ित SI द्वारा लिखित रूप से घटना एवं सर्विस पिस्टल की चोरी की FIR दर्ज की गई। DSP मनोज कुमार ने सरकारी पिस्टल चोरी होने की बात कही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत कई दिनों से पुलिस पदाधिकारियों के सरकारी आवास में विभाग द्वारा मरम्मती एवं रंग रोगन का कार्य चल रहा था। रंग रोगन के इस कार्य में कई श्रमिक शामिल थे। संदेह के आधार पर रंग रोगन का कार्य कर रहे एक श्रमिक को पुलिस हिरासत में लेते हुए पूछताछ कर रही है। इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। फारबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।